देखिए ये ऑफ रही है, सो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। IFI किचन में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज जो रेसिपी लेके आया हूँ वो रेसिपी है हाफ फ्राई एग करी। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या लिया हूँ देखिए, सब इंग्रेडिएंट्स में टेबल पे सजा के रख दिया हूँ। तो सबसे पहले इधर लिया हूँ 2 बॉयल एग, एक को ऑलरेडी बॉयल कर चुका हूँ, और 2 कच्चा एग लिया है। इधर टमाटो और कांदा है, इधर मिर्ची का पेस्ट है, इधर अदरक लहसुन और कांदा का पेस्ट है। और स्पाइसेस में लिया है जो नॉर्मल स्पाइसेस रेगुलर हम लोग घर में यूज़ करते हैं, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, साबुत जीरा और साबुत गरम पाउडर मसाला और साबुत गरम मसाला। तो चलिए झटपट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए सब रेडी है अभी कुकिंग करने के लिए। और एक इंग्रेडिएंट्स में आपको दिखाना भूल गया, सॉरी। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें कोरिएंडर, शक्कर और थोड़ा कड़ी पत्ता, ये एंड में देंगे जो डिश का एकदम जो टेस्ट एकदम निखर के आएगा। थोड़ा स्वीटनेस रहेगा, थोड़ा सा कड़ी पत्ते का स्मेल रहेगा, थोड़ा कोरिएंडर स्मेल रहेगा, तो ऑल ओवर खाने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो उसमें मैं तेल ऐड कर देता हूँ। अब सबसे पहले अंडे को, जो कच्चा अंडा है उसको हाफ फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए तवा गैस पे चढ़ा दिया हूँ, क्योंकि हाफ फ्राई करना है पहले। हाफ फ्राई करके रेडी करके इसको साइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं तेल दे देता हूँ। तो देखिए तेल दे दिया, अब इसमें अंडा फोड़ के दे देता हूँ। तो देखिए दोस्तों हाफ फ्राई रेडी हो चुका है। कढ़ाई में मैं ट्राई किया तो कढ़ाई में हुआ नहीं, तो तवे में देखिए हो गया। देखिए नीचे से कितना क्रंची हो गया होगा ये देखिए। तो अब इसको साइड कर देता हूँ और फिर से कढ़ाई लगा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों तेल गर्म हो चुका है, तो अभी इसमें 2 चम्मच जीरा दे देता हूँ। अब इसमें जो काटा हुआ टमाटो और कांदा है वो दे देता हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों कांदा और टमाटो अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसको अभी अलग साइड में निकाल के रखेंगे। तो अब इसको साइड में निकाल के रख देता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों कांदा और टमाटो अच्छे से फ्राई कर चुका हूँ, तो अभी जो बॉयल है उसको फ्राई करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डालेंगे। अब तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए दोस्तों तेल गर्म हो चुका है, तो अभी इसमें अंडा दे देंगे। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा नीचे से नमक डालेंगे, जाके नीचे लगे नहीं। तो देखिए दोस्तों अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो इसको साइड करेंगे। तो देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अभी इसमें गरम तेल में जो कांदा पिसा हुआ अदरक लहसुन था वो दे देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें पिसा हुआ मिर्ची भी दे देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, मसाले को थोड़ा भून लेंगे जब तक ये पानी इसके अंदर से निकल ना जाए और तेल ना छोड़े, तब तक इसको भूनना है। तो देखिए दोस्तों मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, देखिए पूरा नीचे से लग भी नहीं रहा है और थोड़ा थोड़ा तेल भी छोड़ दिया है। तो अभी इसमें
सब मसाला एक एक करके दे देंगे। सबसे पहले कांदा टमाटो, फिर हल्दी देंगे, गरम मसाला, जीरा पाउडर और थोड़ा धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मसाला अच्छे से भून चुका है, तो अब इसमें थोड़ा पानी दे देंगे। अब इसको थोड़ा पका लेंगे अच्छे से फुल फ्लेम पे। तो दोस्तों देखिए, भाजी अच्छे से पक रहा है, तो अभी इसमें मैं नमक ऐड करूँगा। नमक दोस्तों पहले भी मैं दे चुका हूँ, तो आप ध्यान दीजिए कि अंडा फ्राई करने के टाइम भी मैं नमक दिया था इस पर। तो अभी थोड़ा सा नमक दे के इसको और थोड़ा 2 मिनट तक ऐसे रख देता हूँ, फिर इसके अंदर अंडा छोड़ेंगे। तो दोस्तों देखिए, ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है, तो अभी इसमें मैं अंडा दे देता हूँ। और इसमें लास्ट में जो बोला था आपको, करी पत्ता, धनिया और थोड़ा शक्कर, ये दे देता हूँ। तो इसमें अच्छा एक स्वीटनेस टेस्ट भी आएगा, और कड़ी पत्ते का भी स्मेल एक अच्छे से आता है, और खाने में भी अच्छा लगता है। तो इसको लो फ्लेम में 2 मिनट तक छोड़ देंगे। तो दोस्तों देखिए, 2 मिनट तक छोड़ दिया था मैं, तो अब इसको जो हाफ फ्राई हम लोग अंडा बनाए हाफ फ्राई, उसको इसके अंदर दे देंगे। तो देखिए ये हाफ फ्राई है, अब इसको 2 मिनट तक थोड़ा लो फ्लेम में रखेंगे, फिर अपना भाजी रेडी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, भाजी रेडी हो चुका है। ये देखिए, अंडा भी अच्छे से दिख रहा है और ग्रेवी भी अच्छे से हो गया। तो अब इसको मैं प्लेटिंग कर लेता हूँ। दोस्तों कैसा लगा आपको ये रेसिपी, हाफ फ्राई एक करी? क्योंकि ये जल्दी भी बन गया और सबको पसंद भी आता है। और कैसा है हाफ फ्राई में क्यों दिया, क्योंकि हाफ फ्राई थोड़ा क्रंची भी होता है, और एक करी कैसा है थोड़ा जूसी भी है और खाने में अच्छा भी लगता है और मसालेदार भी है। और मैं जो लास्ट में जो मसाला के लिए मैं दिया था, जो थोड़ा सा शक्कर, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ा सा धनिया, इसमें कैसा और थोड़ा फ्रेशनेस स्मेल आता है, फ्रेशनेस खाने में मज़ा आता है, तो इसमें ऑल ओवर अच्छा लगता है। और मसाला भी देखा आपने, नॉर्मल मसाला दिया, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाला नहीं था। जो घर में मसाला मिलता है वही मसाले में मैं ट्राई किया बनाने के लिए, और आपको दिखाने के लिए और आपको सिखाने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे लाइक कीजिए या नीचे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखिए कि नया जो वीडियो मैं अपलोड करूँ, नया जो वीडियो कुकिंग में लेके आऊँ, नया जो रेसिपी में लेके आऊँ, वो जल्दी से जल्दी आपको मिले और आप भी देखिए और आपको भी मज़ा आए। तो अगर आपको डेली रूटीन, डेली कुकिंग वीडियो, डेली कुछ ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखना पसंद है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी जो मैं कुकिंग किया हूँ, जो अभी मैं एक करी बनाए, वो मैं खा के आपको बताता हूँ क्या क्या कम है, क्या क्या ज़्यादा है, और कैसा है और कैसा नहीं है। चलिए मैं खा के देखता हूँ। तो देखिए, साथ में मैं रोटी लिया हूँ और एक करी है। दोस्तों इसमें क्या थोड़ा स्वीट आ रहा है, क्योंकि शक्कर दिया था, उसकी वजह से थोड़ा स्वीट आ रहा है। थोड़ा सा स्पाइसेस कम है और थोड़ा सा मसालेदार हुआ है, बट थोड़ा स्पाइसेस कम है, तो ऑल ओवर अच्छा है। और थोड़ा खट्टा सा लग रहा है, क्योंकि टमाटर और कांदे को अच्छे से फ्राई किया था, तो उसका भी एक अलग टेस्ट आ रहा है। रोटी के साथ अच्छा लग रहा है खाने के लिए। तो ये जो डिश है, ये जो रेसिपी, आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, चावल, रोटी या पाव या ब्रेड या नान, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो
ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल में मैं डेली कुछ ना कुछ कुकिंग, कुछ ना कुछ ट्रिक्स, कुछ ना कुछ यूनिक कुकिंग और कुछ ना कुछ चीज़ लेके आता हूँ आपको दिखाने के लिए, आपको शेयर करने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ कोई नया रेसिपी के साथ, कोई नया यूनिक डिश के साथ, कोई नया टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।